रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से उनकी ही पार्टी की दलित नेता कुमारी सैजा के विरुद्ध की गई अपमानजनक जातिगत टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही दलितों का अपमान करने की रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करती, ना ही अपशब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने कुमारी सैजा का अपमान किया है, उसे हरियाणा की जनता कभी नहीं भूलेगी और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास होलियान की रिपोर्ट। देखिए, दलितों का अपमान करने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही। आप जगजीराम जी को भी देख लीजिए, वो तो बड़े नेता थे ना कांग्रेस के, कितना अपमान किया है, छोड़ा उन्होंने पार्टी। शैलजा जी कांग्रेस की नेता है, दलित समाज से आती है। किसी भी नेता का हम अपमान बर्दाश्त नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जिसमें अपशब्द बोले जाते हैं। या हुड्डा जी के कुछ समर्थकों ने शैलजा जी पर जातिगत अपशब्द बोले हैं, वो कतई मान्य नहीं है जी। ना हरियाणा की जनता इसको माफ करेगी, ना दलित समाज माफ करेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।